वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोब आई योर बॉलीवुड गाइड दिविस सोलगामा चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की एकमात्र रिलीज फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था लेट 80s री-इंट्रोड्यूस द मेलोडियस म्यूजिक इन आवर हिंदी सिनेमा उसके बाद 90s चर्न्ड आउट बैक टू बैक फैंटास्टिक म्यूजिक जो कि आज तक अपनी मेलोडी के कारण यादगार है जहाँ एक और रोमांटिक फिल्म्स ऑफ दैट ईरा हैड हाफ अ डजन हिट सॉन्ग्स वहीं दूसरी और बाकी के जॉनरा में भी अपने-अपने हिट सॉन्ग्स हुआ करते थे इसी ईरा ने कई कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी एस्टैब्लिश किया आनंद मिलन जतिन ललित अनु मलिक एआर रहमान एंड मेनी लेकिन इट वॉज नदीम श्रवन मिडास टच विच डोमिनेटेड दिस ईरा ह्यूज मार्जिन बहुत कम लोगों को पता है कि नदीम श्रवन स्टार्टेड करियर वे बैक इन एंड हैड टू टू स्ट्रगल अ अ लॉट रीच एट इट्स पीक का एंडेड अप विद फेडिंग करियर ऑफ नदीम सेवन ड्यू टू वेरियस रीजन लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उनका म्यूजिक सुनाई देता है गाया जाता है और चेरिश भी किया जाता है इन द हार्टल्ड ऑफ इंडिया म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सेफी रिटर्न बैक विद इश्क फॉर एवर विदाउट इज पार्टनर श्रवन और अब इस साल ही रीयूनाइट्स विद डायरेक्टर सुनील दर्शन फॉर द मूवी एक हसीना थी एक दीवाना था तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि क्या एक हसीना थी एक दीवाना था विल मैनेज टू द ओल्ड मैजिक या कि ये भी सिर्फ अपने पास ग्लोरी के दम पर एनकैश करने की कोशिश करेगी एक हसीना थी एक दीवाना था इज अ स्टोरी ऑफ अ रिच गर्ल नताशा यानी कि नताशा फर्नांडिस जिसकी शादी अपने बेस्ट फ्रेंड सनी यानी कि उपेन्द्र पटेल के साथ फिक्स हो गई है नताशा और सनी अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को विजिट करने जाते हैं विच इज सेट इन द हार्टल्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम अब इस बीच नताशा इज रेस्क्यूड फ्रॉम ड्राउनिंग बाय अ मिस्टीरियस मैन देवधर यानी कि शिव दर्शन कुछ वक्त के बाद नताशा को देवधर से प्यार हो जाता है और अब वो उससे शादी करना चाहती है तभी नताशा के पापा यानी कि रूमी खान उन्हें बताते हैं कि देवधर एक भूत है जो कि नताशा की नानी से प्यार करते थे और नताशा की शक्ल उसकी नानी से मिलती है दरअसल वो नताशा को प्यार करते हैं वेल नताशा फील्स टू बिलीव दिस स्टोरी एंड डिस्कवर्स मेनी हिडन स्टोरीज रिलेटेड टू हर लाइफ और इसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है द स्टोरी इज फोर्स्ड एंड आउटडेटेड फिल्म में कई ट्विस्ट जबरदस्ती ऐड किए गए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ थ्रिलिंग मोमेंट

एक सीन में तो नताशा एंड शिव दोनों एक घोड़े पे बैठकर क्रिएटिव मैनर में मेकआउट करते हैं नताशा की गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और एक खाई में गिरने वाली होती है तभी हमारे हिम शिव भैया एक हाथ से उस गाड़ी को रोकते हैं और नताशा को बचा लेते हैं फिल्म में कॉप्स अचानक से ठिश करके अपेयर हो जाते हैं और भी कई कमाल के अन इंटेंशनली फनी सीन्स है इस फिल्म में इंक्लूडिंग द क्लाइमैक्स जिसमें अगेन भूत और आत्मा वाले एलिमेंट्स को भी यूज किया गया है फिल्म के पहले भाग में तो शिव हर सीन में नताशा को सिर्फ किस करना चाहता है और नताशा हर सीन में सिर्फ उसे इंस्टिगेट करती रहती है फिल्म के डायलॉग्स तो कांतिशा शाह की फिल्मों को भी पीछे छोड़ देते हैं जैसे कि मैं पास्ट हूं और तुम प्रेजेंट हमारा फ्यूचर कभी हो ही नहीं सकता पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मेरे पास वजह नहीं रीजन है वजह रीजन नो बट और बट बेड टाइम स्टोरीज बहुत सुनाई अब बैड टाइम स्टोरीज सुनो

डायरेक्टर सुनील दर्शन रिटर्न बैक विद्लटर्ड स्टोरी विच राइट हाई ओनली ड्यू टू इट्स म्यूजिक एंड इनिशियल फोर सेंश मोमेंट्स आप इस फिल्म में पेन लव एंड ड्रामा किसी को भी फील नहीं कर सकते द सुपर फॉल्टी स्क्रीन प्ले इज डैमेज फर द मोर ड्यू टू इट्स स्टेल डायरेक्शन परफॉर्मेंस की बात करें तो शिव दर्शन फेल्स टू एक्ट और उनकी जो लिपस्टिक है ना वो फिल्म की हीरोइन से भी ज्यादा लाल है नताशा लुक्स गुड बट एक्ट्स टेरिबली। उपेंद्र पटेल भैया आज से कई सालों पहले जैसे थे वैसे ही है उनकी बुरी एक्टिंग में कोई भी सुधार नहीं है तो इन तीनों की डायलॉग डिलीवरी वुडन एंड बुकिश टाइप की है लगता है कि तीनों कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि वर्स्ट एक्टर का अवार्ड कौन जीतेगा वही ललित मोहन तिवारी एंड रूमी खान ओवर एक्स सो ऑन ओवरऑल बेसिस एक हसीना थी एक दीवाना था कांति शाह और वीक क्लोन ऑफ अब्बास मस्तान के टाइम में अटकी हुई फिल्म जैसी है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है बट गेट्स ड्यू टू स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ डायलूटेड टेरबल एक्टर्स ड्यू टू विच मैं इस फिल्म को जीरो पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव की रेटिंग्स देता हूँ यानी कि आधा स्टार बट इन केस आप भी नदीम श्रवण के नदीम के म्यूजिक के फैन है और उस वजह से अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो डू लेटर्स नो कि कैसी लगी है फिल्म साथ ही इस फिल्म के अलावा और भी कई फिल्मों के रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब टू बॉलीवुड टाइम्स मिलते जल्द एक और हिंदी फिल्म के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मो विथ योर बॉलीवुड गाइड दिव्य सोलगामा